एक बात जरूर याद रखना, अपने पासपोर्ट के फर्स्ट और लास्ट पेज की जेरॉक्स बना के जरूर रखना। देश के अंदर अगर आपने खोया है फिर भी ठीक है, पर अगर देश के बाहर आपने खोया है तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। वहां पर आपको सिर्फ एक इमरजेंसी पासपोर्ट दिया जाएगा इंडिया लौटने के लिए, और इसीलिए मैं कहता हूँ पासपोर्ट की इंश्योरेंस जरूर करवा के रखना। नमस्कार, मान लीजिए आप अपने पासपोर्ट को किसी वजह से खो चुके हैं, या फिर वो फट गया है या फिर डैमेज हो गया है, तो इन सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपके पासपोर्ट दो तरीके से लॉस्ट हो सकता है, एक तो देश के अंदर, दूसरा देश के बाहर। आप अगर बहुत ज्यादा इंडिया के बाहर ट्रैवल करते हैं तो फिर आपके पासपोर्ट चोरी हो जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है, और आज के डेट में तो बहुत सारे देश में गैंग मिलता है लोगों का जिसका काम होता है आपके पासपोर्ट को चोरी करना, जिससे कि आपको मुसीबत में पड़े आप और आपसे वो पैसे ले सके। तो फिर आप किसी तरीके से अगर अपने पासपोर्ट को गुम कर देते हो तो फिर आप बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाले हो। हो सकता है जिसने आपके पासपोर्ट को लिया है वो आपके पासपोर्ट को मिसयूज करे, आपके नाम पर सिम ले, अकाउंट बनवा ले, कुछ भी क्राइम चीजें कर सकता है। तो इसलिए जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से देखना और पूरी तरीके से इसको समझने की ट्राई करना, क्योंकि आपको आगे जाके यही सेम चीज को फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो काम करना है वो ये है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको जाना है मार्केट में, और वहां पर आपके पासपोर्ट की फर्स्ट और लास्ट पेज की जहां पर आपको पूरी डिटेल्स दिया हुआ है उसको जेरॉक्स करके रखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपके पासपोर्ट गुम हो जाता है ये डिटेल्स आपको देना पड़ता है पासपोर्ट ऑफिस में। ओके, तो अब पहला केस में आता है कि अगर आपने अपना पासपोर्ट देश के अंदर ही कहीं पर खोया है तो फिर आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक FIR करवाना होगा आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में। उसके बाद आपको जाना होगा आपके RPO ऑफिस में उसी FIR को लेकर। अब यहाँ पर आप देखिए जो चीज मैंने बताया कि अगर आपके पास आपके पासपोर्ट के डिटेल्स रहते हैं या फिर पासपोर्ट के नंबर, फाइल्स के नंबर ये रहते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पर आपको अगर नहीं रहते तो फिर आप दिक्कत में पड़ेंगे। तो अगर आपको आपके पासपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपको आपके पासपोर्ट के डिटेल्स को लेने के लिए फिर से आपके RPO ऑफिस में जाना होगा। साथ में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट ये वगैरह ले जाना होगा। और इसलिए मैंने आपको बताया कि पासपोर्ट की फर्स्ट और लास्ट पेज की जेरॉक्स जरूर करवा लें। तो एक बार फिर से मैं आपको सारे स्टेप्स बाय स्टेप्स बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी हो। तो सबसे पहले तो आपको FIR करना होगा। FIR करने के बाद FIR जो लेटर होते हैं उसको लेकर और साथ में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको RPO ऑफिस में जाना होगा। RPO ऑफिस से आपके पासपोर्ट के डिटेल्स आपको देंगे, वो डिटेल्स आपको लेके आना है और ऑनलाइन में जाके जो हमारे पासपोर्ट के जो पोर्टल होता है, वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट में जाके आपको आपके नए पासपोर्ट के लिए रीइशू करना पड़ता है। अब अगर आपको यहाँ पर ऑनलाइन में पासपोर्ट को रीइशू कैसे किया जाता है इसके बारे में पता नहीं है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए, मैं इसके बारे में डिटेल्स में इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दूंगा। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपको पासपोर्ट के बारे में कुछ भी, मतलब कुछ भी अगर सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए, आपको 100% इसका रिप्लाई मिलेगा। और साथ ही साथ पासपोर्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है और पासपोर्ट को अप्लाई करने से आपके घर तक पहुंचाने तक हर एक चीज मैंने अपने वीडियो पासपोर्ट के जो सीरीज बनाया है वहां पर मैंने मेंशन किया है, वहां पर मैंने डिटेल्स में बताया। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर पासपोर्ट आप बनाने जा रहे हो तो फिर आप मेरे इन सीरीज को देखिए, ये वीडियो की सीरीज को देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, जेन्युइन कंटेंट है। यहाँ पर देखिए, एक इंसान ने मेरे इसी वीडियो पर, पासपोर्ट के वीडियोस पर कितने सवाल किया था, 20 से भी ज्यादा सवाल किया था, कमेंट किया था, और मैंने उनके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया है और उनको पूरी तरीके से पासपोर्ट बनाने में गाइड किया है। और बस 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि उनके पासपोर्ट अब प्रिंट होकर उनके घर में आने ही वाला है। सच में ये देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि किसी को सही गाइडेंस मिलने पर उनके पासपोर्ट सही तरीके से बन गए। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे सारे कंटेंट बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं, जेनुइन होते हैं। पर हाँ, आपको वीडियो को पूरा देखना है और हाँ, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करना है ताकि हमें भी थोड़ा सा आपकी सपोर्ट मिल सके। खैर छोड़िए, अब सेकंड केस में आते हैं। तो मान लीजिए आप इंडिया के बाहर कहीं पर घूमने के लिए गए हो और वहां पर आपके पासपोर्ट चोरी हो गया है या फिर खो गया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि तब आप उस देश में रह ही नहीं पाएंगे आपके वीजा वैलिड होने के बाद भी, क्योंकि आपके पास आपका खुद का पासपोर्ट नहीं होगा तब। तो इस केस में सबसे पहले तो आपको क्या करना है? तो इस केस में आप जो भी देश में हो, मान लीजिए कि आप ऑस्ट्रेलिया में हो, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, जब भी आपके पासपोर्ट खो जाते हैं वहां पर जो पुलिस स्टेशन होता है, ऑस्ट्रेलिया में जो पुलिस स्टेशन होता है या फिर उनके जो भी ऐसे फोर्सेस होते हैं वहां पर आपको जाकर क्या करना होगा, आपको FIR करवाना ही होगा। इसके बाद क्या होगा, आपको उसी FIR को लेकर उस देश के, मान लो आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो ऑस्ट्रेलियन जो एम्बेसी होता है उनके एम्बेसी के पास जाना होगा।
बाहर से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद, वहां पर आपके डिटेल्स देने के बाद, आपको जाना है इंडियन एम्बेसी के पास। देखिए, हर एक देश में आपको इंडियन एम्बेसी देखने को मिल जाता है। जो भी देश में आपको वीजा लेकर जा रहे हो ना, उस देश में इंडियन एम्बेसी रहता ही है, तो आपको उसी इंडियन एम्बेसी के पास जाना होगा। इसके बाद इंडियन एम्बेसी के जाने के बाद वहां पर भी आपको फॉर्म दिया जाएगा, एनेक्स्टर दिया जाएगा। उन सारे फॉर्म को डिटेल्स में फिलअप करने के बाद आपको वहां से एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसको कहा जाता है टेम्पररी इमरजेंसी पासपोर्ट। इसका कलर ऐसे व्हाइट कलर का होता है, ये दिखने में ऐसे होता है। वैसे ये पासपोर्ट तो नहीं होता है, पर एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट होता है जो कि टेम्पररी एक पासपोर्ट का काम करता है। और इस पासपोर्ट से आपको जो भी देश में आप हो वहां से सीधा इंडिया आ सकते हो, कहीं और पर ट्रैवल नहीं कर सकते। उसके बाद आप जब इंडिया आ जाएंगे, वहां से आपको नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आपको रीइशू करना पड़ेगा वही तरीके से। वैसे हाँ, वहां पर आपको जब इंडियन एम्बेसी से वो व्हाइट कलर का इमरजेंसी पासपोर्ट दिया जाएगा, तब उसके साथ आपको फिर से एक नया वीजा भी लगाना पड़ेगा उसी देश के एम्बेसी के पास। अब देखिए, हो सकते थे कि जो भी पासपोर्ट आपने खोया है उसमें आपके वीजा अभी है, एक्सपायर नहीं हुआ है, पर आपको फिर से एक वीजा लेना पड़ेगा। और ये वीजा लगभग 7 दिन से 10 दिन के लिए होता है, जो कि आपको इंडिया तक पहुंचने में मदद करता है। और इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो इंडिया के बाहर, तो फिर आपके पासपोर्ट के इंश्योरेंस करवा के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जब भी आपके पासपोर्ट के साथ ऐसे कुछ एक्सीडेंटल चीजें हो जाए, आपके पासपोर्ट खो जाए, तब इंश्योरेंस कंपनी आपको सारे जो आपके खर्चे होंगे, एक्सपेंस होंगे, वो देंगे, साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे इंडिया लौट आने में। तो इसी तरीके से एक्चुअली में आपको सारे चीजें स्टेप बाय स्टेप करना होता है। वैसे मैंने अपना पासपोर्ट कुछ महीने पहले ही बनाया था, उसके साथ वीजा भी बनाया था, और ये सारी चीजें मैंने खुद से किया है, घूम घूम के किया है, खुद से एक्सपीरियंस किया है। जो भी सारे चीज थे मेरे पास आया था, मैंने उनको फेस किया है, जो प्रॉब्लम आया था मैंने उनको फेस किया है, उनके बारे में जाना है, और यहाँ पर रिसर्च भी किया है। पासपोर्ट के ऊपर आपको एक वीडियो सीरीज मेरा देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर पासपोर्ट को लेकर हर एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दिया हुआ है। इवन पासपोर्ट पे कैसे करेक्शन कर सकते हैं उसके बारे में मैंने बताया है, तो आप उसको जरूर देखिए। अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे मुझे कॉल आया, मैसेज आया मेरे इन सारे वीडियोज में, और मैंने उन लोगों को जरूर मदद किया है। मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, ताकि उन व्हाट्सएप चैनल पर आप जरूर ज्वाइन हो सके, और वहाँ पर जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स लगता है या फिर जो भी सारी चीजें बताना होता है, मैं वहाँ पर भेज देता हूँ। वहाँ पर आप जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको जरूर मदद मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, तो जाइए और ज्वाइन कीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो ही हमें आपका सपोर्ट मिलता है, और यूट्यूब हमें सपोर्ट करता है और सारे लोगों को ये वीडियो दिखाने के लिए। बाकी फिलहाल आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।